नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं बताऊंगा स्विच के बारे में। ये देखिए, ये दो स्विच दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये अगर इमरजेंसी में खराब हो जाए या इसका जो टर्मिनल है अगर कार्बन आ जाए तो इसको जो है फ्रेंड्स कैसे रिपेयर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा लास्ट तक। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। तो फ्रेंड्स ये जो दो स्विच दिखाई दे रहा है, इसको फ्रेंड्स कई लोग बोलते हैं ग्रीन पुश बटन और इसको बोलते हैं रेड पुश बटन, ठीक है। लेकिन ये जो है फ्रेंड्स ये सही नाम नहीं होता इसका। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में जो है हम इसको कहते हैं एनो स्विच और ये रेड वाले को कहते हैं एनसी स्विच, ठीक है। तो ये एनो और एनसी क्या होता है ये चार्ट पे मैं समझाऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ एनो और एनसी क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया हूँ एनओ और ये एनसी, ठीक है। तो दोनों में से जो है फ्रेंड्स ये रेड वाला जो है मेरा, ये रेड वाला हो गया मेरा एनसी स्विच और ये जो है ग्रीन वाला हो गया मेरा एनओ स्विच, ठीक है। तो एनओ का मतलब होता है फ्रेंड्स नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब होता है फ्रेंड्स, एनसी का मतलब हो गया नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब हो गया नॉर्मली ओपन, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज क्या है सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। देखिए नॉर्मली ओपन का मतलब हुआ नॉर्मल, मतलब होता है साधारण, ओपन मतलब हुआ खुला हुआ, और यहाँ पे नॉर्मली क्लोज का मतलब हुआ नॉर्मल मतलब साधारण और क्लोज का मतलब बंद, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हम ओपन और क्लोज को जो है कुछ और ही तरीके से लेंगे, ठीक है। ओपन का मतलब हो गया खुला हुआ सर्किट और ये क्लोज का मतलब हो गया फ्रेंड्स बंद सर्किट। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए फ्रेंड्स ये कनेक्टर है, ये देखिए मेरा दो कनेक्टर है, चलिए एक कनेक्टर मान लेते हैं इसको, दोनों को एक कनेक्टर है, ठीक है। एक वायर मैं यहां से दिया हूं और एक वायर यहां से दिया हूं, ठीक है। और मान लीजिए यहां से चलिए मैं सप्लाई ही अगर इसको दे देता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये ओपन सर्किट है, इसको कहते हैं ओपन सर्किट क्योंकि इस सर्किट से जो है ये वाला जो है हिस्सा अटैच नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या है फ्रेंड्स, ये एनओ यानी कि फ्रेंड्स नॉर्मली ओपन कंडीशन में है। उसी तरह से फ्रेंड्स ये जो है ये ग्रीन वाला ये है मेरा स्विच अभी साधारण में, जब मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ ना पुश कर रहा हूँ बस ना ही हाथ में पकड़ा हूँ, ठीक है। ये मेरा एनो कंडीशन में है और फिर जैसे ही जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये क्या होगा, इसका जो लीफ होगा इसका जो पत्ती है अंदर स्विच में, मैं भी खोल के दिखाऊंगा और कलर मीटर से लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा चेक करके कंटिन्यूटी रेंज में, ठीक है। जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो इसका जो पत्ती होता है फ्रेंड्स वो इसमें शार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे एनो था पहले, अभी क्या, हाँ अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एनसी यानी नॉर्मली क्लोज। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि नॉर्मली नॉर्मली ओपन यानी कि फिर साधारण मोड में, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो ये फ्रेंड्स अभी नॉर्मली ओपन मोड में है। ये होता है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का मतलब, ठीक है। जैसे मैं इसमें बताया हूँ उसी तरह से जो ये जो नॉर्मली क्लोज वाला स्विच है ये भी इसी तरह से काम करता है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है तो फ्रेंड्स ये है एनसी स्विच, ठीक है। यानी कि एनसी स्विच में क्या होगा फ्रेंड्स, ये नॉर्मली क्लोज है, अभी बिना कुछ किए ही इसका जो दोनों पत्ती है ये आपस में शार्ट है, ठीक है। तो ये है मेरा एनसी मोड में। अभी ऐसे ही हम इसको पुश कर देंगे, अभी मैं इसको पुश कर दिया हूं तो इस कंडीशन में क्या हो गया फ्रेंड्स, ये वाला जो है यहां से हट गया है, ठीक है। तो अब ये जो है फ्रेंड्स ये बन गया एनओ, ठीक है। लेकिन ये कब बन रहा है एनओ, जब हम इसको दबा रहे हैं, इसको जब मैं दबा रहा हूं तो एनओ बन रहा है, नॉर्मल कंडीशन में फ्रेंड्स ये एनसी बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये शॉर्ट हो जा रहा है और ये एनसी बन रहा है। तो फ्रेंड्स ये होता है एनओ और एनसी स्विच का मतलब। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट भी समझ गए होंगे और एनओ और एनसी का मतलब भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं कलर मीटर से आपको चेक करके दिखाता हूं जो है ये एनओ और एनसी कैसे काम करता है। और अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दो टर्मिनल दिखाई दे रहा है रेड वाले में और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे चार टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो का मतलब क्या है और ये चार का मतलब क्या है ये बताऊंगा मैं। फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये रेड स्विच है, ये मेरा नॉर्मली क्लोज स्विच है, ठीक है। और ये जो है मेरा ग्रीन वाला जो है ये नॉर्मली ओपन स्विच, साधारण कंडीशन में ये जो है मेरा ओपन है और ये जो है साधारण कंडीशन में रेड वाला जो है मेरा क्लोज है, ये क्लोज सर्किट बना रहा है और ये जो है मेरा ओपन सर्किट बना रहा है। सिंपल समझिए, ओपन सर्किट में जो है सप्लाई नहीं जाएगा और ये क्लोज सर्किट में जो है क्या होगा सप्लाई जाएगा। तो फिर आपने देखा होगा जो स्टार्टर होता है समरसिबल का, स्टार्टर ले लीजिए या फिर कोई और स्टार्टर, जैसे ही फिर हम उसमें सप्लाई देते हैं तो इसको कुछ दबाना नहीं पड़ता है, ये ऐसे ही रहता है, सप्लाई इसमें पहुंच जाता है। बस हमें क्या करना होता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हम ये स्विच दबाते हैं, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना रहता है, जब मोटर को बंद करना होता है तब हम इसको दबाते हैं। और फिर जब हम इसको दबाते हैं रेड वाले को, ठीक है, जब मैं इसको दबा दिया तो ये जो है यहाँ से कनेक्शन कट जाता है, मैं ये बताया हूँ पहले,
ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, ये बंद करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो है फ्रेंड्स ये स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम इसको फिर दबाते हैं तो ये मेरा क्या होता है फ्रेंड्स, एनसी मोड में कनेक्ट हो जाता है। इसमें दो टर्मिनल दिखाई दे रहा है, चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर से मैं कंटिन्यूटी रेंज में चेक करके दिखाऊंगा एनओ और एनसी कैसे काम करता है। इसको मैं अभी कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया हूँ, ये देखिए एक बार बीप किया, और मैं चलिए चेक करके दिखाता हूँ। सभी जो आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला जो है जो एनओ स्विच है नॉर्मल कंडीशन में, एनओ यानी नॉर्मली ओपन में, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये जो चार टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इसका फ्रेंड्स इसका मतलब होता है यहाँ पे जो दो टर्मिनल है फ्रेंड्स, वो जब हम इसको दबाते हैं तो एनसी हो जाता है, और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये दोनों अटैच हो जाता है और फिर ये एनओ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए चेक करके मैं दिखाता हूँ। अभी ये मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ ऐसे पकड़ के रखा हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं लगाया हूँ, ये देखिए यहाँ से आवाज आ रहा है, एक इसमें लगाया हूँ और एक इसमें लगाया हूँ, सिर्फ दो में मैं लगा रहा हूँ, और इधर से मैं दबा नहीं रहा हूँ, इधर देख लीजिए ऐसे पकड़ा हूँ, और ये प्रोब है मीटर का, ये देखिए इसमें से आवाज आ रहा है। ये फ्रेंड्स एनो मोड में है, एनो मोड में भी जो है फ्रेंड्स ये शॉर्ट है, ठीक है, और ये जो है दोनों एनसी मोड में अब शॉर्ट होगा जब हम इसको दबाएंगे तब। ये देखिए अभी इसमें मैं लगा दिया हूँ इस तरह से, ठीक है, देखिए लग गया है, ये देखिए मैं लगा दिया हूँ, और अभी कोई भी आवाज नहीं आ रहा, इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, तो चलिए इससे मैं दबाता हूँ, ठीक से दब नहीं रहा, चलिए मैं दबाता हूँ इधर से, ये देखिए एक फिंगर मेरा यहाँ पे है, और ये प्रोब मैं इस पे लगाता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ तो फिर कहा ये, तो फिर ये जो है बीप कर रहा है मेरा क्लैंप मीटर। अभी इसको मैं छोड़ दिया हूँ, ये क्या हो गया फिर, ये एनो मोड में हो गया, ठीक है, इसको मैं दबाता हूँ, फिर ये एनसी बन रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों इस एनसी स्विच के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये चार पिन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, अभी ये जो है फ्रेंड्स ये नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि फिर नॉर्मली ओपन मोड में है, ठीक है, तो इसमें जो दो टर्मिनल है ये वाला, ये जो दो पिन है फ्रेंड्स ये नॉर्मली ओपन है बिना दबाए, ठीक है, ये खुला हुआ है, इससे अटैच नहीं है, ये आपस में कनेक्ट नहीं है इस तरह से, ठीक है। दो पिन का तो ये रोल हो गया फ्रेंड्स, नॉर्मल नॉर्मल ओपन मोड में है ये, तो इस तरह से शॉर्ट नहीं है, और जैसे ही जब हम इसको दबाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, ये जो दोनों है ये दोनों जो है शॉर्ट हो जाता है, ये एनसी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स नॉर्मल कंडीशन में एनओ होता है, और फिर जब हम इसको दबाते हैं तो एनसी होता है, ये होता है इसमें चार पिन वाला जो टर्मिनल है इसका रोल, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स ये सिंगल फेज के स्टार्टर में किया जाता है, समरसिबल मोटर जो होता है उसमें, तो आपने देखा होगा जो सिंगल फेज का समरसिबल मोटर होता है उसके अंदर जो स्टार्टर होता है उसमें जो कॉन्टेक्टर लगा होता है फिर उसमें एनओ और एनसी स्विच नहीं होता है, ठीक है, उसके ऊपर। और जो थ्री फेज वाला कॉन्टेक्टर होता है उसमें फिर एनओ एनसी का टर्मिनल दिया हुआ रहता है कॉन्टेक्टर के ऊपर, ठीक है, और सिंगल फेज वाले में जिसके ऊपर जगह है तो उसमें तो हम लगा सकते हैं एनओ एनसी स्विच, और फिर जिसमें नहीं होता है तो जो है एनओ और एनसी यहाँ से बना के ले जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोनों बन रहा है, एनओ और एनसी दोनों बन रहा है नॉर्मली, जो है अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ तो ये नॉर्मली ओपन बन रहा है, और फिर जब हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये नॉर्मली क्लोज हो रहा है, ठीक है, यानी फिर ये जो है इसमें दोनों बन रहा है, एनओ और एनसी दोनों बन रहा है। अब अगर थ्री फेज का जो स्टार्टर होता है तो थ्री फेज में एनओ एनसी स्विच होता है हर कंडक्टर के ऊपर, तो उसमें जो है उसमें क्या होता है, ये चार पिन वाला नहीं लगता, उसमें दो पिन वाला लगता है, ठीक है, और अगर चार कहीं पे लगा भी है तो वो दूसरे जो है, तो फिर वो जो है किसी सप्लाई को बाईपास करने के लिए अलग जगह पे एनओ और एनसी भेजने के लिए लगाया जाता है। तो फिर चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, सिंगल फेज के स्टार्टर में ये जो है ये चार पिन वाला जो है ये स्विच क्यों लगाते हैं, ग्रीन वाला, ठीक है, ये नॉर्मली ओपन वाले में जो है चार पिन वाला क्यों लगाते हैं उसमें, तो फिर जैसा कि मैं बताया हूँ पहले, जो सिंगल फेज का कॉन्टेक्टर होता है उसमें जो है एनओ एनसी टर्मिनल नहीं होता है, फिर जिस कॉन्टेक्टर में नहीं होता है उसमें जो है कॉन्टेक्टर को तो हमें होल्ड करना है, मान लीजिए इसको मैं दबाया तो मेरा क्या होगा, जब तक हम दबा के रखेंगे तब तक जो है मेरा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा, और जब कॉन्टेक्टर ऑफ होगा फिर तो जो है जो मोटर वगैरह होगा ये सब बंद हो जाएगा। तो फिर सिंपल समझिए, जो कॉन्टेक्टर होता है कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए हम जो है एनसी और एनओ स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में ये जो है फिर ये इसका जो रोल है, किसी स्टार्टर में ये कुछ नहीं, सिर्फ जो है सर्किट को तोड़ता है फिर, ठीक है, एनओ बनाता है, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये एनओ बनाता है, यानी फिर सर्किट को कट कर देता है, ये सर्किट मेरा कनेक्ट है तो इसको कट करता है, ठीक है। तो फिर ये है एनओ और एनसी स्विच का कॉन्सेप्ट, और फिर अगर कभी जो है इमरजेंसी में ये स्विच जो है आपका जो है अगर खराब हो जाए, ठीक है, तो अगर इसको रिपेयर कैसे करते हैं चलिए मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये भी ये जो स्विच है फ्रेंड्स ये पूरा खराब हुआ था, ठीक है, ये दोनों खराब था, मैं इसको रिपेयर किया हूँ, सही हो गया है, काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पे कार्बन आ गया है, तो इसके अंदर जो है इसको खोल लेना है, ये खुल जाता है, चलिए मैं खोल के दिखा देता हूँ,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हल्का हल्का जो खांचा बना हुआ है, इसको हम इस तरह से पकड़ के खोलते हैं और ये पूरा खुल जाता है। ये देखिए खुल रहा है, मैं इसको खोल रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खुल गया अभी। ये इसका कवर है और इसके अंदर थ्रेड है, ठीक है। और ये जो है स्प्रिंग है, जो जब हम इसको पुश करते हैं ऐसे, इस तरह से इसको हम पुश करते हैं ऐसे, तो जो है ये, जब ये जो है ये कवर जो है इसका, इसमें टाइट हो जाता है। ये वाला जो चीज है, ये जो सफेद कलर का दिख रहा है, तो इसके अंदर जो फ्रेंड्स जो लीफ दिखाई दे रहा है कनेक्टर, देखिए यहाँ इसमें चार है, तो जब ये अपनी तरफ खींचता है तो ये दोनों शॉर्ट होता है, और जब हम इसको एक बार पुश करते हैं तो ये वाला शॉर्ट होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है एनओ एनसी दोनों बनता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हल्का सा कार्बन है फ्रेंड, ठीक है, और इसमें जो है फ्रेंड स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू को जो खोल के जो है इसको कार्बन वगैरह साफ करके इसको रिपेयर करके चला सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं स्विच को, अगर इमरजेंसी में आपका स्विच खराब हो जाता है तो इसको इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड रिपेयर करने के बाद, कार्बन वगैरह साफ करने के बाद, ये जो इसका कवर है इस तरह से लगा देंगे, टाइट कर देंगे। ये देखिए पूरा ये टाइट हो गया है। तो इस तरह से फिर रिपेयर कर सकते हैं स्विच को, अगर कभी स्विच खराब हो जाता है या इसके अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है तो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, एनओ और एनसी स्विच का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।